सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यानी कि नॉलेज स्टडी में। जैसे कि आप सबको पता ही है, यूक्रेन और रशिया का विवाद चल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि रशिया और यूक्रेन में ऐसा क्या हो गया कि जिससे स्थिति युद्ध वाली स्थिति बन चुकी है। तो बस आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम इसको पूरी फुल डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया और यूक्रेन में ऐसा क्या हुआ, ये दोनों देश युद्ध की स्थिति पर आ चुके हैं, क्यों रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। तो चलिए पलटते इतिहास के पन्नों को और चलते 1991 में। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ 15 स्वतंत्र देशों में बट गया, जिनमें से एक देश यूक्रेन भी था। यूक्रेन में बड़े बड़े तेल के भंडार और नेचुरल गैस है और यूक्रेन यूरोपियन देशों के साथ आयात निर्यात करता है। तो रशिया ने 2014 में क्रीमिया नाम के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो जे इस बात को तो 8 साल हो गए, तो 2022 में ये दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। क्रीमिया से रशिया का पेट नहीं भरा तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने आर्मी ने यूक्रेन के 4 सैनिकों को मारकर डोनबास्क और लुहांस्क एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। तो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है जिसने नाटो से हेल्प मांगी, और नाटो एक दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें लगभग 30 देश शामिल हैं। फिर अमेरिका ने घोषणा की कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा, तो इससे रूस और बढ़ गया। तो बस इसी तरह से इनका विवाद बढ़ता ही चला रहा है। तो अब की बात कर ली, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और यूक्रेन के वायु सुरक्षा क्षमता को खत्म कर दिया। यूक्रेन ने रशिया के 4 फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर को खत्म कर दिया। वैसे तो रशिया बहुत ही शक्तिशाली देश है, लेकिन नाटो ने यूक्रेन को बड़े बड़े हथियार दे दिए हैं, जिसमें सबमरीन, टैंक, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और जहां तक कि परमाणु मिसाइलें भी दे दी हैं, ताकि रशिया यूक्रेन को हरा ना दे। पर अगर ये युद्ध होता है तो ये युद्ध दो देशों के बीच में नहीं बल्कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, कि ये युद्ध फाइटर जेटों से नहीं बल्कि परमाणु मिसाइलों से लड़ा जाएगा। और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो जो हमारी मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत रशिया का साथ देगा या फिर नाटो संगठन का, क्योंकि रशिया हमारा बहुत ही पुराना और सच्चा मित्र देश है। जब 1971 में हम पूरी दुनिया के साथ लड़ रहे थे तब हमारा रशिया ने साथ दिया और हमने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, तो हम रशिया के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। वही बात हम अमेरिका की करें तो वर्तमान टाइम में हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। हमने अमेरिका से चिनुक और अपाची हेलीकॉप्टर जैसे हथियार खरीदे हैं और यूक्रेन के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। अब भारत क्या करेगा, किसका साथ देगा? आपको पता होगा कि 2 दिन पहले अमेरिका ने एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें अमेरिका बोल रहा था कि अगर हमारा रशिया के साथ युद्ध होता है तो भारत हमारा साथ देगा। उसके जस्ट बाद ही रशिया का भी एक बयान आया था जिसमें रशिया ने बोला था कि भारत हमारा मित्र देश है और वो हमारे अगेंस्ट नहीं खड़ा होगा और युद्ध में हमारा वो साथ देगा। तो भारत ने क्या किया, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया कि इस युद्ध में भारत न्यूट्रल है, भारत किसी का भी साथ नहीं देगा, भारत का रशिया भी एक मित्र देश है और अमेरिका भी। हम चाहते हैं कि इस युद्ध को द्विपक्षीय वार्तालाप से सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये युद्ध पूरी ह्यूमन जाति के लिए खतरनाक सिद्ध होगा, क्योंकि हम दुनिया की चौथी महाशक्ति हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई थी और आज भी इंडिया ऐसा ही करेगा, इंडिया न्यूट्रल ही बना रहेगा। ना तो इंडिया यूक्रेन का साथ देगा, ना ही रशिया का और ना ही नाटो संगठन का। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।